वेलकम बैक टू शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद। बना रहे हैं जी सिंधी बिरयानी, उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए और कॉल करके आप शो का हिस्सा बनेंगे। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर यकीनन चल रहा होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं टूवर्ड्स फूड रेसिपीज। आज मैंने ठीक से नींद की, ठीक से सोया, दिन भर सोया, तो आई वुड से कि नींद भी थेरेपी है, नींद भी थेरेपी है, नींद से भी आपको सुकून मिलता है, आप अच्छा फील करते हैं। बल्कि एक स्कॉलर ने तो लिखा था कि जब नींद वो चीज़ है जो आपके थकावट, आपके प्रॉब्लम, मुश्किल जो भी ज़िंदगी में होता है वो सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको ताज़ा करके उठाती है। तो ऐसा ही जी, नींद ज़रूर कीजिए, और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तो मुश्किल होगी। अच्छा जी, आज बीफ सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। बीफ यहाँ मौजूद है हमारे पास, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है जब हड्डी वाला गोश्त हो, और उसकी आज हम ये सिंधी बिरयानी बना रहे हैं जी। ठीक है, साबित यहाँ पे अच्छा गोश्त यहाँ मौजूद है, हड्डी वाला बीफ का, जैसे कि आप देख रहे हैं। आधा किलो हाफ के जी गोश्त दें, और ये जो इसकी यखनी है कोशिश करें इसका भी यूज़ किया जाए। जो देग की बिरयानी की बात करते हैं, अब देग की बिरयानी में इसका यखनी का भी एक फ्लेवर ख़ास आता है, जिससे एक एक चावल जायकेदार हो जाता है और बाकी सभी चीज़ें। ठीक है जी, बीफ वेज के अलावा यखनी मौजूद है यहाँ पे आधा किलो। सिंधी बिरयानी में हमेशा साबित गर्म मसाला डलता है जो यहाँ पे है मौजूद। दीगर इंग्रेडिएंट्स में दोस्तों पिसा हुआ गर्म मसाला, धनिया पाउडर, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ मौजूद है, अदरक लहसुन पिसा हुआ, आलू बुखारा, ड्राई प्लम्स, दही है, टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, ये सभी कुछ हमें रिक्वायर्ड होगा। और चावल देखिए जी, सैला चावल जो हमने उबाल लिया है, बॉयल कर लिया है, आधा किलो हाफ के जी यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं चावल। ठीक है जी, तो चलते हैं प्रोसेस की जानिब। और हमेशा हर चैनल पे हर जगह बात होती है चावल की करनी छोड़नी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा सैला चावल की करनी नहीं छोड़नी चाहिए, नॉर्मल ठीक बॉयल करें, ज़्यादा नरम ना हो लेकिन ठीक बॉयल्ड होना चाहिए, कच्चा नहीं रखना चाहिए। सैला चावल बाद में नहीं होता सही, बासमती है तो उसमें कनी आप रखें, वो बहुत नाजुक होता है, उसको हैंडल करना भी एक आर्ट है। तो ये चीज़ काफ़ी अहम थी, ज़रूरी थी। टू वर्ड्स प्रोसेस चलते हैं, और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं जी। दोस्तों इसमें ऐड करते हैं हम कुकिंग ऑयल। ठीक है दोस्तों, बना रहे हैं जी आज सिंधी बिरयानी, कुकिंग ऑयल ऐड किया लगभग 1 कप। चीज़ें आप देख चुके हैं, प्याज की भी करनी है कटिंग, अदरक लहसुन भी मौजूद है, चटनी बनाएंगे, रायता, सैलड का भी बिल्कुल एहतमाम हमने किया है और करना भी चाहिए। चटनी, सलाद, रायता ना हो तो बिरयानी का वो मज़ा नहीं होता, तो रायता भी अच्छा हो लाजमी है, ज़रूरी है। तो पहले ज़रा हम दही को फेंट लेते हैं, हैंड मिक्स मौजूद है, और इसे दही को हम ज़रा बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे। बीफ भी हमारे पास बॉयल्ड है, तो ठीक टाइम पे ये मज़ेदार जायके के साथ बिल्कुल हो जाएगा तैयार। पहले तो दही को बीट कर जी फेंट रहे हैं, और यकीनन दही हमारे यहाँ अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का, प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया। बहुत से लोग दही खाते हैं, साल भर खाते हैं, दही खाना भी चाहिए, और वो सभी फ़ायदे जो दूध के अंदर पाए जाते हैं वो दही के अंदर भी मौजूद होते हैं, तो दही का इस्तेमाल ज़रूरी है। ठीक है जी दोस्तों, इसे बीट कर रहे हैं, और जो ज़रूरी है बहुत अच्छे से बीट करना है, फेंट लेना है। ठीक है दोस्तों, ऑयल हमारा रेडी हो रहा है, और कटिंग भी करनी है, और कुछ ही देर में हमें ब्रेक की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि देखें जी अच्छे से बीट करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कटिंग की तरफ, तो नाइफ ले आते हैं, और प्याज 1 और 2 अदद हमने काट लेनी है। गोश्त देखिए अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे तो मटन भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, बीफ के अलावा
आप मटन भी ले सकते हैं, मटन भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई, और अनियन है जी, अनियन दो पीस, और उसको ज़रा स्लाइस करें। ठीक है, इसी तरह बाकी कटिंग भी, और छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद यहीं से सफ़र रखेंगे जारी। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। बैक टू शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे आलू कर रहे हैं बॉइल्ड। ठीक है जी, सिंधी बिरयानी जिसमें आलू डलते हैं, बॉम्बे बिरयानी में आलू नहीं डलते। सिंधी बिरयानी में आलू डलते हैं, बॉम्बे बिरयानी में आलू नहीं डलते। ठीक है जी, तो ये आलू हमारे हो रहे हैं बॉइल्ड, चावल ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, सिलसिला जारी है, और इसमें साबुत गर्म मसाला डलता है जो ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसमें पानी के अंदर आलू ऐड किए, और इसे मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा इधर। ठीक है जी, आलू हो रहे हैं बॉइल्ड, अब चलते हैं बिरयानी के बाकी प्रोसेस की जानी। इस पॉट के अंदर हमने ऑयल ऐड किया, साथ ही प्याज जो है हमारे पास काट लेते हैं, और कॉलर भी हैं, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ इकबाल भाई, मुझे ना आप ना बिरयानी की रेसिपी बता दीजिए। तो आज बिरयानी तो बना रहे हैं? अच्छा 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 इकबाल हाँ। भाई और मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा, आपके लिए दुआ भी कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सबके लिए दुआएं। इकबाल भाई, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं आप मुझे। बहुत शुक्रिया, आपका नाम क्या है? दुर्दाना, दुर्दाना। दुर्दाना, क्या बात है, क्या मतलब है दुर्दाना का? मोती का दाना, मोती का दाना। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। और एक बात, ये प्रोग्राम रिपीट में आता है? ये रिपीट मेरे ख्याल से सुबह 11 से 12 बजे तक शायद होता है, ये आपको अच्छा, बता देते कुछ। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक जी, सुबह 11 बजे आएगा रिपीट में? हाँ, आपको कुछ ही देर में यह कन्फर्म बता रहा हूँ लाइव टीवी पे। कोई फरमाइश है आपकी? जी मेरी यहाँ गुलाब जामुन मुझे बनाना सिखा दें, और गाजर का हलवा। अच्छा ठीक है बनाते हैं, जल्द बनाते हैं आपके लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अच्छा कोई गिली जी, प्याज इस तरह स्लाइस करें। और एक और कॉलर भी उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल इकबाल साहब? मैं ठीक हूँ, आप हुमा, आप कैसी हैं, खैरियत है? जी जी खैर खैरियत से। और क्या कहेंगी आप? बस सबसे पहले तो यही कहूँगी कि माशाल्लाह से बड़ा अच्छा शो आपका चल रहा है, पूरा वीक मैंने मतलब देखा, तो कल भी आपने अच्छी मतलब डिश बनाई थी, लौकी का हलवा और चिकन, बेक चिकन। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप दोनों तकरीबन हमारी पसंद की थी, जैसे लौकी का हलवा मैं शौक से खाती हूँ, और जो चिकन बनाई थी वो बेटे की पसंद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मजे का भी था, हमने ट्राई भी किया, और यही कोशिश करते हैं वहाँ के आपको अच्छा लगे। नहीं नहीं, हम जाहिर है बनाते हैं तो हम उसको रेसिपी फॉलो करते हैं। अभी सिंधी बिरयानी इस्तफा से आज बेटी की फरमाइश थी कि बिरयानी, लेकिन आज गैस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाई। अच्छा आपके एक ही बेटा है? जी जी इकबाल साहब, आप जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या नाम किया बेटे का? मोहम्मद मुदस्सिर। मुजफ्फर, क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया।
और चलें फिर आप बनाएं और बेटे को बना के नहीं खिलाइएगा। नहीं इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी, लेकिन ये दो तीन लोग से जरा कुछ मसला था आपकी कुछ तो कॉल भी लग रही थी, वरना मैं करना चाह रही थी। इंशाल्लाह ताला कल बनाऊंगी, जो आपने कल लौकी का हलवा जो चिकन बनाई थी वो कल बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये है कि अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको, सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया उमा, थैंक यू। खुश रहें, शादो आबाद रहें, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आप सिंधी बिरयानी बना रहे हैं और आपको सच बताऊं कि व्हेन आई स्टार्टेड माय कुकिंग, हमें अंदाज़ा नहीं था कि कुकिंग शोज आ जाएंगे, इतने ज़्यादा एक्सपोजर, इतनी ज़्यादा चीज़ें कुकिंग के लिए मिलेंगी। जब मैंने कुकिंग शुरू की तो सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, मुझे यूके जाना था, लंदन जाना था, वहाँ हमारे एक रिलेटिव होते हैं, उन्होंने कहा कुकिंग सीखो ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। लेकिन बाद में आने के बाद पता चला भाई कि कुकिंग में आप स्टार बन सकते हैं, आप बहुत मशहूर हो सकते हैं, और कुकिंग की वजह से मुझे सब कुछ मिलता गया। मैं काफ़ी कमर्शियल किए, रेडियो कर रहा हूँ, अब एक्टिंग की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत कुकिंग से हुई। तो कुकिंग एक बहुत बिग आर्ट है, तो जो लोग आ रहे हैं तो आई वुड से कि पता होना चाहिए किस तरह अपनी लाइफ को आपने एग्जीक्यूट करना है, किस तरह आपने करियर बनाना है, ये चीज़ें सब ज़रूरी हैं। बेक टू दी रेसिपी, बिरयानी बना रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाते चलें। जनाब यहाँ पे आलू हो रहे हैं बॉयल्ड, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिरयानी, चाहे देख वाली हो नॉर्मल हो, जब आलू आप खाएं तो ये जो जर्दे का रंग कलर वाला ये अच्छा लगता है। आलू हल्का सा आपने येलो फूड कलर शामिल किया, ठीक है जी, ताकि इसका ये कलर भी आएगा, येलोविश भी हो चुका है, एंड इसे बिल्कुल बॉयल कर लेंगे। बहुत सी खवातीन आलू को फ्राई करती हैं, तल कर एड करते हैं, कर सकते हैं मर्जी आपकी दोनों तरीके, लेकिन हम नहीं करते। प्याज इसको ब्राउन करने देंगे, लेट इट ब्राउन, और टमाटर भी काट लेंगे जी, ठीक है जी। आज जरा डिफरेंट मेथड से बनाएंगे बिरयानी, वो आपको बताते हैं क्या किस तरह आपने करनी है तैयार। टमाटर है, सिंपली इसको काट देते हैं इस तरह स्लाइस, और बिरयानी में अलग ही तरह का देखा जाए तो इसका मेथड अलग होता है। बहुत से लोगों की बिरयानी इसलिए सही नहीं बनती, वो सारा अमल इसी तरह चूल्हों पे करते रहते हैं, कौरमा भी पका लिया, चावल ही पका लिया, लेकिन आई थिंक ये तरीका सही नहीं होता। भले ज़रा सा कच्चा और गोश, कुछ चीज़ें कच्ची हों, दम बहुत ज़्यादा दे रहा है, देख हो देख ना हो तो ऐसी शेप होनी चाहिए आपके बर्तनों की कि ठीक से बहुत ज़्यादा देर तक दम आए, 30 मिनट तक, 35-40 मिनट तक। फिर जो अरेबिक जो आजकल चले ना खाने, वो बहुत दुनिया में खाए जाते हैं, उसकी भी एक दम पर पकता है, स्टीम में पकता है। ईरानी कुजीन में बहुत से ऐसा जो स्टीम पे पकता है, उसका अलग ही मज़ा होता है, ठीक है ना, भाप पे स्टीम पे जो खाना बनता है, तो वो चीज़ें आई थिंक बिरयानी में भी चीज़ होनी चाहिए कि ज़्यादा देर तक दम आए, जो हम नहीं करते, ये मिसिंग है, ठीक है जी। टमाटर काट रहे हैं जी, एक और ऐड कर लेते हैं, ऐसे अच्छे लगते हैं बिरयानी में टमाटर, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये टमाटर भी काट रहे हैं, प्रोसेस बिल्कुल जारी है, और प्याज को बिल्कुल कीजिए ब्राउन, ब्राउन कीजिए, अब तो सिर्फ ये प्रोसेस का स्टार्ट ही हुआ है, ब्राउन हुई नहीं है, और ब्राउन होगी कलर अच्छा आएगा, उसके बाद इसमें हमने दीगर चीज़ें भी शामिल करनी हैं, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई काफ़ी अहम, और इसका चूल्हा करते हैं ज़रा सा स्लो, ठीक है जी, ओके। यहाँ भी देख रहे हैं जी कलर, इसमें ज़्यादा कुछ करने को तो नहीं है, सिर्फ आलू आपने उबाल लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह प्रोसेस जारी है, और शहर कराची से मौजूद हैं एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम अफशा जी, कैसे हैं, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? आप डिश बड़ी पसंद की बना रहे हैं बिरयानी जी, बिल्कुल जी। हमें भी पसंद है। अच्छा चावल कितनी देर उबालने चाहिए, आपसे मुझे पूछना था जी। जी पूछिए। चावल कितनी देर उबालने चाहिए, बासमती चावल कितनी देर उबालने चाहिए? ये अफशा देखो, पहले तो है ना, अब मैं कुकिंग इंस्टीट्यूट में कल इन्वाइटेड था, चलें बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम था, वहाँ स्टूडेंट्स को नहीं पता था, चलें उसको रहने देते हैं। चावल का मेन चीज़ ये है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कितनी देर सोक करना है, ठीक है? आधे घंटे करते हैं बासमती चावल को, सैला को दो घंटे, 2 से 3 घंटे तक कम से कम,
क्योंकि वो पुराना चावल होता है। सही है, एक तो ये चीज सही हो गई आपकी। फिर आपने चावल उबालने के लिए रखे, ठीक है, तो चेक करते रहे। आई वॉन्ट से एग्जैक्टली का टाइम, 7 मिनट का तकरीबन होता है, 7-8 मिनट का। लेकिन चावल का आप दाना निकाल के खुद आप चेक कर लें, ठीक है। वो कनी कहते हैं, इसको कनी कहते हैं। लेकिन कन्नी उसमें सैला चावल में नहीं रखनी, बासमती में रखनी। हम तो बासमती बनाते हैं। हाँ, उसमें एक कनी रखनी है, एक कनी रखनी है। और चावल को फैला लें किसी अखबार के ऊपर, बिल्कुल ठंडा हो जाए चावल का, एक ही दाना अलहदा अलहदा हो जाए, वो फिर आप इसमें ऐड करें। जैसे आपने रंग किस तरह डालते हैं बिरयानी का, रंग बता दें मुझे जी। बिरयानी का कलर जो होता है ना, वो किस तरह डालते हैं चावलों के ऊपर, किस चीज पे, पानी मिलाएं, दूध में मिलाएं? हाँ, कैमरा एसेंस में डिसॉल्व कर लें या दूध के अंदर डिसॉल्व। एक हमारे शेफ थे कमाल के, वो दूध के अंदर डिसॉल्व करते थे, दूध के अंदर डिसॉल्व करके दही के अंदर भी कर लेते हैं, दही के अंदर भी कर लेते हैं, दही में भी कर सकते हैं। हाँ, दही में भी कर सकते हैं आप, लेकिन दही कौरमे के अंदर ना, लेकिन जब ऊपर से ऐड करें तो दूध या कैमरा एसेंस, ठीक है, या पानी के अंदर। सलाद आप जरूर से डालिएगा, खुसूसन जी पाकिस्तानी सलाद। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर पाकिस्तानी सैलेड बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छे खाने बना रहे हैं माशाल्लाह से, ऐसे ही बनाते रहे। जी 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 जी, बिल्कुल अफशा, थैंक यू अफशा, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ठीक है जी, और प्याज निकाल लें। और एक हमारे दोस्त भी हैं जिनका ताल्लुक है खैरपुर से, और खैरपुर की जमीन बहुत शानदार, खैरपुर की खजूर क्या। और खैरपुर में गया मैं, एक रेस्टोरेंट चल रहा है वहाँ पे, हमारी तस्वीर लगी हुई खैरपुर में, और वो कमाल का रेस्टोरेंट है। और खैरपुर के लोग, वो सरमद साहब को कहते हैं कि वक्त बहुत अहम चीज़ होती है, ठीक है, और चीज़ें वक्त पर हों तो बेहतर होता है जी। बिल्कुल ये बात सच है आपकी। प्याज जैसे ही ब्राउन हुई, उसके बाद ये गोश्त जो हमने उबाल कर रखा है ऐड करें। इसलिए क्विक ऐड किया कि प्याज हमारी जलना शुरू हो जाती है अगर हम अभी हम गोश्त ऐड ना करते। इसी के अंदर देखिए क्विकली सब चीज़ ऐड करते हैं, टमाटर, ठीक है दोस्तों, टमाटर ऐड किए, और साथ ही फ्रेश योगर्ट, दही, दही भी इसमें मिला लेते हैं, चेंज करना था। और कुछ स्पाइसेस, सिंधी बिरयानी है जी, साबुत गर्म मसाला, तेज़पत्ता, और यहाँ पे साबुत गर्म मसाले में ये दालचीनी है, इलायची है, सब कुछ है। जैसे कि देख लें जी कि कैमरे की नज़र से ये ऑयल, उसके बाद गोश्त, टमाटर, दही, साबुत गर्म मसाला, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून, ये हल्दी ये भी 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड कर लिया था। अच्छा, नमक हसबे जाएगा, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़रा सा ज़ीरा भी ऐड कर रहे हैं, ड्राई प्लम्स आलू बुखारा इसके अंदर भी ऐड कर रहे हैं जी। इसकी खटास मज़े की आती है बिरयानी में। हल्का सा जायफल जावित्री 1 से 2 चुटकी, और से इसी के अंदर आपने हल्का सा येलो फूड कलर, और बहुत ज़रूरी है कि अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का, हल्का सा 1 चुटकी इसके अंदर भी ऐड किया फूड कलर, और डिज़ोल्व कीजिए इसे, अच्छे से कुक होने दीजिए। बीफ बिरयानी, लोग कहते हैं बिरयानी हो तो बीफ की हो, और उनको बीफ की अच्छी लगती है। अच्छा, इसके साथ ही ये सब्ज धनिया हमारे पास है जो कर देते हैं चॉप, और जिस तरह कॉलर हमारी दुर्गाना जी ने कहा कि दुआ करें, तो सबके लिए दुआएं हैं जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे, पाकिस्तान के लिए दुआ रखे, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमें दुआओं में याद रखें, ठीक है जी। और दुआ ख्वाहिश का इजहार भी है, दुआ ख्वाहिश का इजहार भी है, दुआ आप जो चाहते हैं
अल्लाह ताला से वो आप दुआ के ज़रिए मांगते हैं तो ये चीज़ है ज़रूरी। अच्छा धनिया पुदीना कुछ मिर्चें भी ऐड करते हैं जी, 3, 5, 6 और कॉलर हैं बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, कहाँ हैं आप, कुछ नहीं कॉले करिए, इतनी कॉले करिए, आपसे मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी, कभी नंबर बिजी जा रहा है कि कभी न्यू नंबर चल रहा था उस पर भी इतनी कॉले करी, कोई रिसीव नहीं कर रहा था। हाँ बस मैंने आपसे आज ही के दिन बात हुई थी, आपसे आज ही के दिन क्या 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 करी, आज ही के दिन हुई थी मेरी आपसे बात। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने सुना, इतनी आपसे मेरी बात ही नहीं हुई, इतना दिल चाह रहा था आपसे बात करने का, आपका शो इतना जबरदस्त माशाल्लाह आता है, मैं रेगुलर कॉलर हूँ और अब बात नहीं हो रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था सर। जी जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सना साहिबा आपसे बात करके। और बिरयानी पसंद है आपको? जी बिल्कुल, आज सिंधी बिरयानी बन रही है इंशाल्लाह। हाँ आप चावल की शौकीन है या रोटी हो कौरमे के साथ, जब शादी में आप जाएं एक तरफ बिरयानी हो एक तरफ कौरमा रोटी के साथ, तो क्या खाना चाहेंगी आप? बिरयानी लूंगी। बिरयानी आजकल तो शादियों में और भी काफी वैरायटी होती है। जी जी वाकई काफी वैरायटी होती है, है ना? लेकिन बिरयानी बस बिरयानी से ही पेट भर जाता है, इतना खाया नहीं जाता, टाइम ज्यादा हो जाता है ना। हाँ टाइम ज्यादा हो जाता है और हुकूमत ने पाबंदी लगा दी जी, जो एक खास वक्त तक आपने खाना खा के निकलना है, तो ये चीज है। बिल्कुल सही हुआ वैसे ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, चले यहाँ आपके शो को बहुत मिस करूंगी, 2 दिन आपका शो नहीं आएगा सर। जी जी आपको जुम्मा मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं आप, अपना ख्याल रख, बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात हो रही है सर मेरी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी हुई सना शहर कराची से मौजूद रही और बिरयानी एकदम मसालेदार बना रहे हैं। और देख लेते हैं आलू हमारे कान तक पहुंचे कुछ देर मजीद हैं, ठीक है जी। अच्छा आलू हम बाद में ऊपर सेट करेंगे, यहाँ चूल्हा बहुत ही कम रखा, ज़रा सी यखनी जिसके अंदर गोश्त उबाला था ये भी ऐड किया। कलर इसका देख लीजिए, ये कलर लाना है आपको इस सिंधी बिरयानी का, एकदम चटपटा मसालेदार, साबुत गर्म मसाला भी है, प्रोसेस सभी आपके सामने हुआ। और वी वुड लाइक कि जितने ज़्यादा देर दमाए उतना बेहतर है, चावल इसके ऊपर बिछा लेते हैं, ठीक है जी। आज ज़रा चटपटी बनाइए बिरयानी, कुछ चीज़ें लाजिम हैं, गोश्त गलावा हो, टेंडर हो, और इसके साथ ही चावल बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में हो, दम ठीक आए तो बेहतर हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा इसके टॉप पर ऐड करते हैं ज़रा सा कुछ टमाटर भी ऐड कर लेते हैं स्लाइस, चावल के ऊपर बिछा रहे हैं टमाटर, आलू बुखारा ड्राई प्लम्स रख रहे हैं, ठीक है जी। और ज़रा सा हल्का सा फूड कलर ये एसेंस या पानी के अंदर डिसॉल्व किया, ये भी एक तरफ ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ना हो। और ये धनिया पुदीना ये भी चॉप करके ऊपर से ऐड करना जी, सब्ज़ धनिया और पुदीना। वैसे ये बात सच है जी, पाकिस्तानी चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, मिडल ईस्ट में हो या पाकिस्तान, उनको बिरयानी का क्रेज़ है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा, बाहर भी इनकी दावतों में यही बिरयानी ही होती है। खैर एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद सफ़र जारी रखेंगे, बीफ सिंधी बिरयानी बन रही है और ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए शेफ 21।
वेलकम बैक टू अवर शो। बिरयानी हमारी जस्ट अबाउट रेडी और सिंधी बिरयानी दम पे रखा है, कुछ देर और रखेंगे। देख लेते हैं हमारे आलू भी बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये आलू जो हमने दम इसका खासी देर आया है, कुछ देर और रखेंगे, कवर हटा रहे हैं। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आलू जो हमने उबाले थे ये भी ऊपर ज़रा इसके बिछा लेते हैं। बहुत से लोग गोश्त के शौकीन हैं, बहुत से लोग आलू पसंद करते हैं और ये अच्छा लगता है आलू। इसमें आलू ताकतवर चीज़ है, पावरफुल है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। फिर से इसे दम पे रखेंगे और ताकि हीट चारों तरफ से आए, चावल के ऊपर से भी और सरफेस से तो आ ही रही है, रोटी वाला तवा रखा है। ठीक से चीज़ का प्रोसेस रखिएगा जारी। और अब चलते हैं हम सैलड की तरफ। ठीक है जी, तो सैलड के लिए पहले तो ये गार्निश की चीज़ें हम हटा लेते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ टमाटर, नींबू और धनिया पुदीना चॉप करें और परवेज मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हेलो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी कैसे हैं आप? खैरियत है सर? आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। परवेज साहब वक्त बहुत कम है, क्या कहेंगे आप, शो देख रहे हैं? जी हाँ मैं शो देख रहा हूँ आपका, बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपने जो बिरयानी बनाई है ना, वो मेरी पसंदीदा डिश है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भारत साहब, थैंक यू सो मच। खुश रहें खुश रहें। अच्छा ये सैलड रायता बना रहे हैं, दही यहाँ पे, अच्छा इसमें दोस्तों ये धनिया पुदीना और सलाद पत्ता ऐड किया, ज़रा सा नमक ऐड किया, ज़रा सी काली मिर्च, मिक्स किया अच्छे से और इसे इस ओवल शेप के छोटे प्लेटर में निकाल लिया। अच्छा लिक्विड ज़रा ज़्यादा है, दही ज़्यादा रखा इसमें हमने ताकि बिरयानी आपको बिल्कुल ड्राई ना लगे। टमाटर कुछ धनिया, लेट्स सी हमारी बिरयानी कहाँ तक पहुँची। निकालते हैं, पेश करते हैं और सर्दियों में बिरयानी खाने का अपना ही मजा है जी। कवर हटाते हैं, एज से अपने कुछ रख खोल लेना, ये देखें आप। दोस्तों ये बीफ बिरयानी एकदम मसालेदार है जी और इसमें निकाल रहे हैं, देखें गोश्त बिल्कुल टेंडर है, गला हुआ है और साबुत गरम मसाला भी किया था, ये जो छोटी मिर्चों का भी मज़े का फ्लेवर है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि दम हमने तकरीबन 20 मिनट रखा है, जिसकी वजह से फ्लेवर और रिच हो चुका है। इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम ये बिरयानी इंजॉय करेंगे। सीम्स अमेजिंग, सीम्स टेम्पटिंग, गरम गरम खाएं। चटनी, रायता या सैलड का एहतमाम ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, कुछ मिर्चें यहाँ ले आते हैं, ले रहे हैं आपसे इजाज़त, क्योंकि खाना जितना भी मज़े का बन जाए लेकिन तो बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसे इंजॉय भी करना होता है। इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम बिरयानी इंजॉय करेंगे। आपसे ले रहे हैं इस वक्त इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। इसे हटा लें। अच्छा जी, और ये रायता सैलड भी हो चुका है तैयार।
थैंक यू एवरीवन, खुश रहें, शाद आबाद रहें, यही कहेंगे, इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट।